لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ एक साहब से मिलने का, तो वो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे पर तंज करते हुए कहने लगे कि आपने इमाम साहब के सूरह यासीन का तर्जुमा देखा है। मैं कहा जी क्या मसला है उसमें। कहते जी हजरत ने यासीन का तर्जुमा आप किया है। तो मैंने कहा तो इसमें गलत क्या किया है। कहते हैं कमाल है, यासीन का तर्जुमा आप कैसे होता है। मैं कहा मैं आपको एक बात बताऊं, पहले वो बात समझाता हूं और उसके बाद आपको तर्जुमा समझाता हूं। मैं आपको खत लिखूं और उस खत में मैं लिखूं आप, और आप मुझसे झगड़ा करें आपने मुझे आप क्यों लिखा भाई। तो भाई जब खत आपको लिखा तो मुराद आपसे आप ही होंगे, उधर तो आप झगड़ा नहीं करते। अच्छा अब जरा यासीन शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला क्या कहता है। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, बस यहीं रुक जाए। देखिए ना अल्लाह ताला तीसरी आयत में क्या फरमाता है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बिततहकीक आप कौन हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। तो अब आप से मुराद कौन है, वो अल्लाह ने पहली आयत में बता दिया कि यासीन हुजूर का नाम है। यासीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। और अल्लाह ने आगे वल कुरानिल हकीम, और कुरान हकीम जो है उसका नाम लिया क्योंकि उसकी अल्लाह ने कसम उठाई और हिकमत वाला उसको बयान किया। और फिर उसके बाद अल्लाह ने हुजूर से मुखातिब होकर कहा कि ऐ मेरे प्यारे नबी बितहकीक आप मुरसलीन में से हैं। तो यासीन के नीचे या तो हम यासीन का तर्जुमा यासीन कर दें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दें, तो इसमें मुजायका क्या है तुम मुझे ये बताओ। यानी तुम्हें मैं ख़त लिखूं और ख़त के मजमून में तुम्हें तो आप लिखूं तो ठीक है, और हुजूर से जब मेरा रब मुखातिब हो और यासीन कहे और तर्जुमा करने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे कहे लिखे तो तुम्हें मसला है। यानी इससे बड़ा तो और जहालत और क्या होगी। तो खैर बहरहाल जिन लोगों को बात समझ में नहीं आनी होती उन्हें नहीं आनी होती। अब आला हजरत के आप तर्जुमे देखें ना, सुभान अल्लाह, जहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र है तो वहाँ तर्जुमे में भी जलाल है, और जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है वहाँ तर्जुमे में भी अदब है, कमाल है। और जहाँ तर्जुमा किया है तो तर्जुमा जहाँ आयत के सियाक़ो सबाक के मुताबिक है वहाँ कुरान के सियाक़ो सबाक के मुताबिक भी है। इस पर भी मैं आपको बात करूँगा कि आला हजरत ने जो काम किया है ना तर्जुमे में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तक के वो लोग जो आला हजरत के मुखालिफ हैं वो भी इसके मातरफ है कि आला हजरत का तर्जुमा अपनी शान में एक आला तरीन तर्जुमा है, और कुरान करीम के जितने मुतराजिम हुए हैं उसमें आला हजरत का जो तर्जुमा है तो कुरान है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसकी एक अपनी शान है। तो खैर बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो लोग जिन्हें इल्म नहीं है वही एतराज़ कर सकते हैं आला हजरत के तर्जुमे पर, वरना जिसको इल्म है वो जानता है कि ये तर्जुमा कितना ऐन कुरान के मिजाज के मुताबिक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।